पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुरादाबाद के लाइन पार स्थित कैरिज वैगिंग शाखा में विशेष पूजा अर्चना की गई और साथ ही सभी औजारों की पूजा करने के साथ एक विशाल भंडारा भी आयोजित कराया गया। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में विश्वकर्मा जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुरादाबाद के लाइन पार स्थित रेलवे के कैरिज वैगन शाखा में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना आयोजित कराई गई, जहां पर रेलवे के सभी उपकरणों की पूजा की गई, साथ ही सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की गई। रेलवे अधिकारियों ने पहुंचकर इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई और कहा कि हर वर्ष विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में यहां पर पूजा आयोजित की जाती है, जहां पर मजदूरों की सलामती के लिए प्रार्थना की जाती है, साथ ही सभी औजारों की भी पूजा होती है। पूजा अर्चना के बाद शाखा में विशाल भंडारा भी आयोजित कराया जाता है, जहां पर सभी रेलवे कर्मचारी और अधिकारी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए मुरादाबाद के कैरिज वैगन शाखा में मुकेश कुमार ने बताया कि हर वर्ष यहां पर विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, जहां पर सभी औजारों की पूजा करने के साथ मजदूरों की सलामती के लिए प्रार्थना होती है और एक विशाल भंडारा भी यहां पर आयोजित कराया जाता है। रेलवे के प्रशासनिक अधिकारियों का इस कार्यक्रम में भरपूर योगदान रहता है। ये सर CNW कैरिज एंड ब्रांच है हमारी मुरादाबाद की, और जो है आज जो है 17 सितंबर 2022 की विश्वकर्मा पूजा की जाती है हमारे हर सितंबर में। 17 अगस्त को वही प्रोग्राम हमने जो है रखा गया और विश्वकर्मा पूजा का भंडारा, पहले पूजा की गई उसके बाद भंडारा का रखा गया है। क्या महत्व होता है इसका कार्यक्रम? इसका महत्व ये होता है कि हमारे जितने भी मशीनें हैं, प्लांट हैं, औजार हैं, उनकी हम पूजा करते हैं और उनके जो है भगवान से अपने स्टाफ की इसकी सुरक्षा के लिए कि जो है हमारे जो किसी तरीके की कोई परेशानी या कोई समस्या सामने खड़ी ना हो या किसी को कोई किस तरह की चोट वगैरह ना लगे, तो भगवान से प्रार्थना करके और अपना जो है पूजा पाठ करने के साथ हर साल किया जाता है।